सात श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट अंग्रेजी पैडागोजी दी थ्योरी दी क्लास विच अज आपां काफ़ी सारियां चीज़ां डिस्कस करन जा रहे हैं। वीडियो दी शुरुआत करन तो पहला चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दियो, वीडियो नू लाइक कर दियो। इस वीडियो नू आपां PSTET दी परीक्षा पेपर 1 अते 2 दोनों नू ध्यान दे विच रखदे होए बना रहे हैं, जिहड़ी परीक्षा तुहाडी 1 दिसंबर नूं कंडक्ट करवाई जानी है। सो वीडियो नूं तुसीं ध्यान नाल देखना है अते समझना है। अज दी वीडियो विच कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बारे डिस्कस करन जा रहे हां, जिहदे विच टाइप्स ऑफ रीडिंग दी गल करांगे, इंटेंसिव अते एक्सटेंसिव रीडिंग जिहदे विच आउंदा आ। उस तो बाद आपां साइलेंट वर्सेस लाउड रीडिंग दी भी गल करांगे। फिर रीडिंग स्ट्रैटजीज जिहदे विच स्किमिंग, स्कैनिंग ते डिक्टेशन भी आ जाना आ। फिर उस तो बाद नोट टेकिंग वर्सेस नोट मेकिंग ते लास्ट ते होमोफोन्स, होमोनिम्स अते होमोग्रैप्स। सो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक तो। गल कर रहे हैं आपां टाइप्स ऑफ रीडिंग दी। टाइप्स ऑफ रीडिंग दे विच तुहानू कुछ चीज़ां वेखण नूं मिलदियां ने, जिहदे विच सब तो पहला जिहड़ा आपां नूं टाइप्स ऑफ रीडिंग विच देखण नूं मिलदा है वो है जी इंटेंसिव रीडिंग। दूजे नंबर ते है जी एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग नूं आपां बहुत ही हौली हौली करदे हैगे आ, केयरफुली करदे हैगे आ, तां जो सानूं कल्ले कल्ले वर्ड दा जिहड़ा मीनिंग हैगा आ जां फिर कंप्लीट जो भी कॉन्टैक्सट आपां पढ़ रहे हैं सारियां चीज़ां आपां नूं डिटेल विच समझ लगण। एग्जाम्पल लै सकदे हो जिवें स्कूल दीयां जिहड़ियां किताबां हुंदियां ने जिन्हां नूं तुसीं टैक्सट बुक कहंदे हो, जिन्हां नूं पढ़ना बोरिंग कम भी लगता है या उन्हां किताबां नूं जेकर तुसीं रीड कर रहे हो तां उहनूं तुसीं इंटेंसिव रीडिंग कह सकदे हो। एक्सटेंसिव रीडिंग दे विच तुसीं किसी भी चीज़ नूं पढ़दे हो फन दे परपस नाल, जिवें तुसीं कोई नॉवल पढ़ रहे हो या फिर कोई मैगजीन पढ़ रहे हो तां उहदे विच जिहड़ियां कहाणियां हुंदियां ने तुसीं उहनां नूं इंजॉय करन दे लई पढ़ रहे हो कि उहदे विच जेकर कोई डिटेल दित्ती हुई है तां कि तुसीं उहनां चीज़ां नूं याद करन दी कोशिश करदे हो? बिल्कुल नहीं। जेकर तुसीं कोई कहानी पढ़ी है तां उहदे विच कोई स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन आपां याद करन दी कोशिश नहीं करदे, बट इंटेंसिव रीडिंग दे विच आपां सारियां चीज़ां याद करन दी जिहड़ी कोशिश हैगी है जी वो करदे हैगे आ। होप सो इंटेंसिव रीडिंग है कि ते एक्सटेंसिव रीडिंग दे विच डिफरेंस की हैगा आ, दोनों चीज़ां नूं तुसीं समझ गए होने आ। हुण नैक्सट जिहड़ी रीडिंग हैगी आ जी जिहदे विच आपां साइलेंट वर्सेस लाउड रीडिंग दी गल करन जा रहे हैं। साइलेंट रीडिंग की हुंदी है जी ते लाउड रीडिंग की हुंदी है, एक तां नाम तो ही क्लीयर हो रहा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਊਡ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। क्लास विच जिवें मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा होवां ते मैं उच्ची उच्ची पढ़ रहा होना तां जो बच्चों नूं जिहड़ी प्रोनंसीएशन हैगी आ किसी वर्ड दी वो बच्चों नूं क्लीयर हो सके। ते साइलेंट रीडिंग दे विच जिवें आपां कोई नॉवल पढ़ रहे हैगे आ। सो साइलेंट रीडिंग हुंदी की आ, लाउड रीडिंग की हुंदी आ जी, इहदे बारे भी तुसीं समझ गए होणे आ। गल करांगे हुण रीडिंग स्ट्रैटजीज दे उत्ते। रीडिंग स्ट्रैटजीज दी जदों आपां गल करदे आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸਕਿਮਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਸਕਿਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ इन्हां चीज़ां नूं डिटेल विच पढ़ूंगा। जिवें कई बार आपां न्यूज़ पेपर हैडलाइनस पढ़ते हुन्ने आ काली काली दे विच, जदों आपां नूं पता लग जांदा कि आह वाली जिहड़ी न्यूज़ हैगी आ पढ़न वाली है ते आपां ओह चीज़ां नूं ध्यान नाल पढ़दे हैगे आ कि आपां बाद विच यार इस चीज़ नूं जरूर पढ़ांगे। सो स्किमिंग दे विच जिहड़ा ओवरऑल जिहड़ा आइडिया हैगा जी इहदे विच लिखिया की होया, तुसीं उन्हां चीज़ां नूं पढ़दे हुन्ने हो कि सारी डिटेल ते आपां फोकस नहीं करते, ओवरऑल आइडिया जिहड़ा हैगा जी उहदे ते आपां फोकस करदे हां। स्कैनिंग दे विच जेकर आपां कोई स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन लभणी होवे, जिवें स्कैनिंग वर्ड दे विच ही आ रिहा आपां नूं कोई स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिदी है, जिवें कोई नाम हो सकदा है, कोई डेट हो सकदी है, कोई एड्रैस हो सकदा है। सो इस तरह दीयां चीज़ां नूं तुसीं कहंदे हो स्कैनिंग। डिक्टेशन दे विच जो कुछ तुसी सुनदे हो जिहड़े वर्ड्स बोले जांदे आ एंड उहनां नूं तुसी राइट कर लैंदे हो तां जो अपनी लिसनिंग अते स्पैलिंग स्किल नूं डिवेलप कीता जा सके। जिवें इह काम टीचरां द्वारा भी कीता जांदा आ कि टीचर कोई सेंटेंस बोलते हैं तो स्टूडेंट उन्होंने लिख लेंदे है जो कुछ स्टूडेंट सुनते हैं। सो यह है जी डिक्टेशन। नैक्सट देखो नोट टेकिंग की हुंदी है जी ते नोट मेकिंग की हुंदी है। नोट टेकिंग दे विच कोई भी चीज़ तुसी रीड कर रहे हो या फिर सुन रहे हो तो तुसी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लैंदे हो तो इनू तुसी कहने हो जी नोट टेकिंग। नोट मेकिंग दे विच तुसी जदों अपने नोट्स नूं ऑर्गेनाइज करदे हो अपने शब्दां दे विच जदों तुसी कोई चीज़ पढ़ लैंदे हो या फिर सुन लैंदे हो तां इहनूं तुसी कहने हो जी नोट मेकिंग। एंड इस तों बाद असी गल कर लैंदे आ होमोफोन्स दी, होमोनिम्स अते होमोग्राफ्स दी। होमोफोन्स दे विच जिहड़े वर्ड आपां पढ़दे हैगे आ इन्हां दी जिहड़ी साउंड हैगी आ जिहड़ी आवाज़ आ रही है वो तां हुंदी आ जी सेम, पर इन्हां दे जिहड़े मीनिंग हुंदे आ जी वो अलग हुंदे आ, स्पैलिंग भी अलग हुंदी है। जिवें इन्होंने एक एग्जाम्पल लई है जी पेयर की, जिहदे विच तुसीं स्पैलिंग अलग अलग देख सकते हो। पेयर इन्होंने दो आइटमां की गल की है या फिर जोड़े नूं कह दिंदे हो। पेयर एक हैगा जी फ्रूट जिन्हों कहने हो, तो एक होर इन्होंने एग्जाम्पल लई है जिवें कि सी जिन्हों तुसीं समुंदर नूं कह दिंदे हो तो दूजा सी हुंदा आ लुक। इन्हां दी प्रोनंसीएशन सेम हैगी आ जी, बट जदों आपां इन्हां नूं इन्हां दी स्पैलिंग देखदे हां ते ओह अलग हैगी आ ते इन्हां दे मीनिंग भी अलग वेखण नूं मिलदे आ। अगे वेखो होमोनिम्स। होमोनिम्स दे विच जिहड़े वर्ड्स हुंदे हैगे आ जिन्हां दे स्पैलिंग तां तुहानूं सेम वेखण नूं मिलदे आ, पर इन्हां दी जिहड़ी प्रोनंसीएशन होवेगी ओह भी सेम होवेगी। जदों गल करांगे मीनिंग दी ते मीनिंग तुहानूं अलग वेखण नूं मिलणगे। जिवें एक बैट वर्ड है, बैट वर्ड जिहड़ा हैगा आ एक तां हुंदा आ जानवर या फिर चाम चड़िक्कर, तुसीं जरूर सुनिया होऊगा। एक बैट हैगा जी बेसबॉल वाला या फिर जिहड़ा बैट आपां क्रिकेट खेडदे हैगे आ। सो इह सीगे जी दो वर्ड्स। होमोनिम्स दे विच अपने स्पैलिंग सेम हुंदे आ, आवाज़ भी सेम होगी पर मीनिंग डिफरेंट होगा। होमोफोन्स दे विच जिहड़े वर्ड्स हुंदे ने जी उन्हां दी साउंड भी सेम होगी पर उन्हां दे जिहड़े मीनिंग ते स्पैलिंग्स होणगे जी ओह अलग अलग देखण नूं मिलणगे। होमोग्राफ्स दे विच आपां वर्ड जिहड़े हुंदे आ जिन्हां नूं तुसीं लिखदे तां इक तरहां ही हो, मतलब स्पैलिंग तां होणगे सेम पर इन्हां दे जिहड़े मीनिंग जिहड़े हुंदे आ ना ओह तुहानूं डिफरेंट वेखण नूं मिलदे आ ते कई बार इन्हां नूं तुसीं इन्हां दी जिहड़ी प्रोनंसीएशन हैगी आ जी ओह भी अलग देखण नूं मिलदी है। जिवें इन्हां ने एग्जाम्पल दित्ती है जिवें लीड टू गाइड, भी गाइड करना, एक लैड एक मैटल हुंदी हैगी है जी। होपसो तुसीं होमोफोन्स, होमोनिम्स अते होमोग्राफ्स बारे समझ गए होणे आ। हुण कुछ चीज़ां ने जी जिवें कि राइटिंग सब स्किल, कल कुछ चीज़ां भी डिस्कस कीतीयां सीगीयां बट दोबारा डिस्कस कर लैंदे आ कि राइटिंग सब स्किल दे विच तुहानूं दो चीज़ां वेखण नूं मिलदियां ने, ट्रांसक्राइबिंग ते पैराफ्रेजिंग। ट्रांसक्राइबिंग दे विच जिहड़े वर्ड्स हुंदे ने जी तुसीं उन्हां नूं लिखदे हैगे हो, सेंटेंस नूं लिखदे हैगे हो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके दे नाल, एक्यूरेसी ओहदे विच ज्यादा हुंदी है ते तुसीं फोकस करदे हो स्पैलिंग दे उत्ते ते पंक्चुएशन दे उत्ते। या फिर कह लो कि तुसीं कोई पैराग्राफ पढ़िया ते उहनूं तुसीं कॉपी कर रहे हो बिना किसी स्पैलिंग मिस्टेक तो, ना किसी पंक्चुएशन मिस्टेक्स तो। पैराफ्रेसिंग दे विच जिहड़ा कोई टैक्सट सीगा उहनूं तुसीं कर रहे हो आप दे शब्दां विच, उहनूं तुसीं लिख रहे हो समझण तो बाद। जिवें टीचर ने कोई टॉपिक समझाया ते तुसी की कीता, तुसी उस टॉपिक नूं बाद विच अपने शब्दां विच लिख लिया, सो इहनूं तुसी पैराफ्रेजिंग करनी हो। ट्रांसक्राइबिंग दे विच तुसी एज इट इज़ लिखदे हैगे हो बिना किसी स्पैलिंग मिस्टेक तो, बिना किसी पंक्चुएशन दे मिस्टेक तो, ते पैराफ्रेजिंग दे विच तुसी अपने शब्दां विच सारियां चीज़ां लिखदे हो। उस तो बाद राइटिंग प्रोसैस दी गल करदे हां। राइटिंग प्रोसैस दे विच तुहानूं कुछ स्टेजेस वेखण नूं मिलदियां ने। जेकर तुसी बहुत वधिया लिखना चाहुंदे हो तां ओहदे विच तुहानूं कुछ सिंपल स्टैप देखण नूं मिलदे आ, जिहदे विच सब तो पहला आउंदा है जी प्री राइटिंग, फिर ड्राफ्टिंग, फिर रिवाइजिंग, फिर एडिटिंग, फिर पब्लिशिंग। सो सब तो पहला वेखो राइटिंग दे विच आपां की करदे हैगे आ जी, अपने आइडियाज़ नूं प्लान करदे हैगे आ ते डिसाइड करदे आ कि लिखना की है। जिवें आपां की कीता, किसी कहानी नूं लिखण दे लई आपां जिहड़े भी आइडिया सीगे जी ओह लिख लए। प्री राइटिंग तो बाद असीं करदे आ जी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग दे विच आपां की करदे हैगे आ कि अपने आइडियाज़ नूं सेंटेंसिस दे विच या फिर पैराग्राफ दे विच लिख लैंदे आ, या फिर कह लो कि अपनी जिहड़ी कहानी होगी जी ओहदा फर्स्ट वर्जन आपां लिख लैंदे हैगे आ। रिवाइजिंग दे विच आपां देखदे आ कि जो कुछ आपां लिखिया आ ओहदे विच कोई पार्ट रिमूव तां नहीं करना या फिर ओहदे विच आपां कुछ चीज़ ऐड तां नहीं करनी, सो आपां चैक करदे आ तां जो उहनूं इंप्रूव कीता जा सके अपने ड्राफ्ट नूं। एडिटिंग दे विच आपां की करदे हैगे आ कि यार इहदे विच जेकर कोई ग्रामर मिस्टेक हैगी आ, स्पैलिंग मिस्टेक हैगी आ, पंक्चुएशन मिस्टेक हैगी है ते उहनूं सही कर लिया जावे। ते एट लास्ट पब्लिशिंग दे विच असीं फाइनल वर्जन जिहड़ा हैगा आ जी ओह सबमिट कर दिंने आ या फिर ओह लिख दिंने आ या फिर फाइनल कर दिंने आ कि मेरा जिहड़ा वर्क हैगा जी ओह कंप्लीट हो चुक्या आ। सो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਂਡ पब्लिशिंग जिहड़े स्टैप ने जी ये तुहानू वेखण नू मिलदे ने। ते ये सीगी जी अज दी अपनी वीडियो। होप सो तुसी मेरियां गल्लां नू समझ गए होणे आ। वीडियो पसंद आई होवे तां वीडियो नू कर दिओ लाइक, चैनल नू कर दिओ सबसक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।